अस्सलाम वालेकुम दीदा ने माना आपको आपके दोस्त आपके भाई थी एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अब तेरे खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कमर्शियल प्लॉट अगर आपने बुक करवाना है कमर्शियल इंस्टॉलमेंट्स पे, एक साहब थे जिन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले रब्ता किया था, कहा था यार मुझे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा था यार कुछ टाइम पहले DHM में कमर्शियल लिया था इंस्टॉलमेंट्स पे, वो कमर्शियल निकल आया यार बहुत लाखों का मुनाफा हुआ है, अब मुझे कोई कमर्शियल लेकर दो कहीं और। तो मैंने एडवाइस किया था उन्हें और आपको भी करता हूँ, ताज रेजिडेंशिया दरबार कमर्शियल 8 मरला, 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल ताज रेजिडेंशिया में। I-14 सिटी सेक्टर I-14 में कोई कमर्शियल नज़र ही नहीं आ रहा अभी, पता नहीं कब बनेगा, लेकिन ताज रेजिडेंशिया के कमर्शियल बन भी गए हैं ऑपरेशनल भी। एक कमर्शियल आपको नज़र आता है मेन बुलेवार्ड पर जैसे आप जाते हैं मस्जिद के सामने, ताज रेजिडेंशिया में आपको एक कमर्शियल नज़र आ रहा है, और भाई उस कमर्शियल ने ना अपने पैसे पूरे कर लिए, उस कमर्शियल ने अपने पैसे पूरे कर लिए, क्योंकि वो एक ही कमर्शियल है। आसपास सराउंडिंग में लोगों के घर हैं या लोग बेचारे वहाँ पे जो मजदूर सबके जो वहाँ पे काम इतना चल रहा है वो लोग हैं भाई। सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलने वाला कोयटा एक T20 खुला हुआ है, उसको देखा देखिए एक चाय वाला और आ गया है, सबसे ज़्यादा वो चल रहे हैं भाई। डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे वहाँ पर, डिमांड नहीं पूरी हो रही है, जो लोग जाते हैं खाने पीने के लिए क्वालिटी नहीं दे पा रहे अगले भाई, वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे, वो चाय नहीं पूरी कर पा रहे। एक कमर्शियल, उस एक कमर्शियल ने पैसे सारे पूरे कर दिए, और अब आने वाले टाइम पे अगर ये दरबार कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के साथ लगता है, आप इमेजिन करें कि ये अट्रैक्ट करना है सारी I-14 की ट्रैफिक, CDA सेक्टर I-14 की मेन दरबार कमर्शियल। अगर आपने ताज रेजिडेंशिया विजिट किया, विजुअल्स में आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही आप मेन बुलेवार्ड में इंटर होते हैं राइट लेफ्ट पे बड़ा सा गेट बन रहा है, राइट लेफ्ट वहाँ पे कमर्शियल लॉन्च है 8 मरला के। अब ये जो 8 मरला के कमर्शियल है भाई, इमेजिन करें आने वाले टाइम पे क्या होगा। ऐसे कुछ टाइम पहले वो जो कमर्शियल जो मैं बात कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर आगे जाए लेफ्ट साइड पे मस्जिद आती है, वहाँ पे कमर्शियल है जो बन चुका है, ये इंस्टॉलमेंट्स पे दिया था ना लाखों रुपये में, आप ये पैसे पूरे कर चुका है, क्योंकि जो कमर्शियल बना हुआ है ना ये इसने जितनी ट्रैफिक डाल दिया ना वहाँ पे, ये अपने कमर्शियल पैसे पूरे कर चुका हुआ है। अब ये दरबार कमर्शियल जब आगे जाके बनेंगे ना तो इसने लाखों करोड़ों का फायदा देना है। बिल्कुल भी देर मत करें, ताज रेजिडेंशिया में आज ही कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें इंस्टॉलमेंट्स पर, इंस्टॉलमेंट की तरफ आप जाएं। आपको क्योंकि ताज में आपको फ़ायदा तब ही है जब आप इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लें, ऐसा ऐसा पैसे दें कमर्शियल के आप मालिक बने, यू कैन इमेजिन कि आपको आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा फायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।